तो फाइनली गाइस बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान ने आज सिनेमाघरों में 4 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों मॉर्निंग के वीडियो में यानी कि जो सुबह का वीडियो मैंने बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आपको दी थी, मैंने आपसे कहा था कि आज अपने चौथे दिन फिल्म जवान का जो कलेक्शन है वो पूरे इंडिया से लगभग 80 करोड़ रुपए रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो इवनिंग और नाइट की ऑक्यूपेंसी रहेगी, अगर उसमें बदलाव हुआ तो फिल्म के कलेक्शन में भी बदलाव हो सकता है। और ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों, फिल्म के कलेक्शन में हमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है इवनिंग और नाइट क्योंकि पेंसिल के हिसाब से। तो आज अपने चौथे दिन फिल्म कितनी कमाई कर रही है टोटल, लेकिन दोस्तों यहां पे मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूं कि जवान फिल्म अपने पहले 3 दिनों में ऑफिशियली कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में कामयाब रही इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और आज अपने चौथे दिन यह फिल्म कितनी कमाई कर रही है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जवान फिल्म ने अपने पहले दिन जहां 74 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर पूरे इंडिया में इतिहास रचा, तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में कहां पीछे रहने वाली थी, क्योंकि जितनी फैन फॉलोइंग शाहरुख खान की इंडिया में है उतनी ही विदेशों में भी। तो इसलिए विदेशों में यह फिल्म अपने पहले ही दिन 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। तो वही फिल्म जवान का जो पहले दिन का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 74 करोड़ रुपए इंडिया से नेट था, 74 करोड़ 50 लाख रुपए। तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में जो टोटल कलेक्शन था वो 129 करोड़ 60 लाख रुपए था। फिर दूसरे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली क्योंकि वर्किंग डे था, लेकिन कहां पीछे रहने वाली थी फिल्म वर्किंग डे पर भी, फिल्म ने दूसरे दिन कमा डाले 53 करोड़ 23 लाख रुपए। तो फिल्म की जो 2 दिनों की ऑफिशियली कमाई थी वो 128 करोड़ 23 लाख रुपए इंडिया से नेट हो चुकी थी। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 240 करोड़ रुपए हो चुका था। लेकिन बात करूंगा मैं तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन फिल्म का पहला सैटरडे था, लेकिन दोस्तों क्या इतिहास रचा है, क्या इतिहास बनाया है जवान ने, वाकई देखने लायक और काबिले तारीफ। अपने तीसरे दिन फिल्म ने कमाए 77 करोड़ 83 लाख रुपए, जा दोस्तों 77.83 करोड़। तो यहां पे तमिल में जो फिल्म ने आज मतलब तीसरे दिन यानी कि अपने पहले सैटरडे को यानी कि कल तीसरे दिन फिल्म ने जो तमिल से कमाई की थी वो 5 करोड़ 34 लाख रुपए की थी। तेलुगु से फिल्म ने 3 करोड़ 77 लाख रुपए कमाए थे और हिंदी से फिल्म का कलेक्शन रहा था 68 करोड़ 72 लाख रुपए का। तो फिल्म अपने तीसरे दिन 77 करोड़ 83 लाख रुपए ऑफिशियली करने में कामयाब रही। तो वही फिल्म का जो इंडिया के अंदर 3 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन था वो 206 करोड़ 6 लाख रुपए हो चुका था। तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 248 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे अपने पहले 3 दिनों में 138 करोड़ रुपए और कुल मिला के फिल्म पूरे वर्ल्ड में 386 करोड़ रुपए। जा दोस्तों ये नंबर शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे कि 3 दिनों में कोई फिल्म 386 करोड़ रुपए बॉलीवुड की कैसे कमा सकती है, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म जवान ने करके दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों बात करूंगा मैं चौथे दिन की, तो आज की जो ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की मैंने आपसे पहले ही कहा था वो 55% की थी। आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी रही वो रही लगभग 75% की और दोस्तों इवनिंग की जो ऑक्यूपेंसी है वो है लगभग 89% की। तो नाइट की जो ऑक्यूपेंसी है वो है कम से कम 100% की, यानी कि ये कमाल हो चुका है, ऐसा पहले शायद आपने नहीं सुना होगा लेकिन ये हो चुका है। और जबकि सबसे बड़ी बात इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी था, लेकिन जवान फिल्म ने जो कारनामा आज किया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। जवान आज अपने चौथे दिन कमा रही है पूरे इंडिया से 85 करोड़ रुपए, तमिल तेलुगु हिंदी तीनों भाषाओं में, क्योंकि 70 करोड़ रुपए सिर्फ हिंदी से आने वाले हैं। तो वही फिल्म का जो 15 करोड़ रुपए का बिजनेस है वो तमिल और तेलुगु से आने वाला है। तो फिल्म टोटल 85 करोड़ रुपए अपने चौथे दिन कर रही है। तो फिल्म का जो 4 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 292 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रहा है। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 540 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार करते हुए हमें नजर आ रहा है अपने पहले 4 दिनों में। लेकिन दोस्तों जवान फिल्म आपने कौन से शहर कौन से सिटी में देखी है कमेंट में जरूर बताइएगा।